आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं महाज्योतिषाचार्य पंडित के ए दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मित्रों, हम जीवन में दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई? कहने को तो विज्ञान तरक्की कर रहा है, हमारे आसपास चीज़ें हमें बहुत सुविधा संपन्न बनाती जा रही हैं, जो भी तरक्की हो रही है, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमें अंदर से खोखला बना रहा है। क्या है वो वजह? आज मैं बात करूंगी पंडित जी से हमारे आपसी संबंधों के बारे में, हमारे रिश्तों के बारे में, कि क्यों हम वैसे तो आगे इतना बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर, सामाजिक स्तर पर क्यों गिरते जा रहे हैं, संबंधों में इतना ये बिगड़ क्यों रहे हैं, संबंधों में वो बात क्यों नहीं आ रही है जैसा बदलते वक्त के साथ और जीवन में आगे बढ़ने के साथ होनी चाहिए थी। पंडित जी, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी जो हमारे समाज में, जो हमारे रिश्ते हैं, समाज कहते हैं कि एक एक इकाई से मिलकर के समाज बनता है, वो रिश्ते हैं, परिवार है, तो परिवारों में इतना विघटन क्यों हो रहा है, संबंधों में ये विघटन क्यों हो रहा है? आर्थिक योग है। आर्थिक योग हो चुका है जी, और आर्थिक दौड़ में सभी लोग दौड़ रहे हैं जी। पिता भी दौड़ रहा है, दादा भी दौड़ रहा है जी, दादी भी दौड़ रही है, पोता भी दौड़ रहा है, बेटे भी दौड़ रहे हैं, बहुएं भी दौड़ रही हैं जी, परिवार के लोग भी दौड़ रहे हैं, नाते रिश्तेदार भी दौड़ रही हैं, और तो और आपके यहाँ जो कर्मचारी हैं वो भी दौड़ रहे हैं जी। ऐसी स्थिति में हो क्या रहा कि ईश्वर के समकक्ष रुपया आ गया है। रुपया ईश्वर के समकक्ष आ गया है जी। वो अपने सोच में कुछ भी, कैसे भी, किसी तरह से भी उसके लिए अर्थ आना चाहिए। अभी आप देखिए कि रुपया का खेल नीरव मोदी ने किया जी, आखिर में ये देश के लोग, देश की नैतिकता और रिश्तों को कब तक ताक पर रखेंगे? कितने लोगों का गुनाह उसके अंदर और कितने लोगों को उसमें जोड़ा गया होगा, कितने लोग उसके साथ जुड़े हैं, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं जी। लेकिन कुल मिलाकर के राष्ट्र को, जिस प्रदेश का वो व्यक्ति था, एक देखिए संयोग देखिए कि इसमें अधिकांश हर्षद मेहता तो गुजराती समुदाय के, ये नीरव मोदी तो गुजराती समुदाय के, और जो तमाम सारे अभी नाम आ रहे हैं पिछले 40-50 साल में, मैक्सिमम एक ही प्रांत से आ रहे हैं। हम कितनी लंबी बड़ी बातें कर लें, लेकिन ये भी बातें लोगों तक पहुंचती हैं, लोगों का विश्वास टूटता है, तो ऐसे में आप करेंगे क्या? आंख खोल करके चलेंगे कि आपको अचानक आपका के साथ जो लोगों का प्यार जुड़ रहा है, अचानक अधिकारी के साथ आपका प्यार बढ़ रहा है, अचानक आपके परिवार का किसी सदस्य का प्यार बढ़ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको डुबोने की पूरी रणनीति तैयार करके ये प्यार बढ़ा है? आज ये पूरे देश के अंदर स्थितियां हैं, हम तो ये कहेंगे कमोवेश पूरी दुनिया में स्थितियां हैं। दुनिया में तो पहले से ही स्थितियां थी, लेकिन भारत में आदर्श पारिवारिक रूप से थे जी। स्वतंत्रता के बाद में धीरे 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 सने सने हमारी राष्ट्रीय भावना खत्म हो गई। हमें राष्ट्र से कोई बहुत अगर पद मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, तो सबसे ऊपर हम राष्ट्रीय हो जाते हैं। अगर नहीं मिल रही है तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं जी। कहीं भी किसी भी विभाग में ये स्थिति आपको देखने को मिल जाती है कि विभाग
राष्ट्र बहुत पीछे है, रुपया बहुत ऊपर खड़ा है। ये बात आपने बहुत अहम करी कि एक ही व्यक्ति के दो चरित्र सामने आते हैं स्थिति अलग होने पर। मतलब अगर सक्सेस मिल रही है तब तो आप राष्ट्रवादी हैं, पर अगर नहीं मिल रही है तो आप कुछ भी कर गुजरेंगे और नैतिक मूल्य जैसे कि आपके पास है ही नहीं। ये बहुत विचित्र बात कही आपने। तो ये तमाम सारी चीजें नंदनी जी जो है जी, इस देश के अंदर पिछले कुछ वर्षों में उभर रही है जी। कल तक आप जिस संस्थान के गुणगान गाने में पीछे नहीं हटते थे क्योंकि उस संस्थान से जुड़े थे जी, और एक पल में ही आप दूसरे संस्थान से मिलने के बाद में पहला संस्थान तो एकदम कूड़ा हो गया जी। ये व्यक्ति का चरित्र हो गया। कल मैं एक विवाह समूह में था, तो विवाह में बड़ा कार्यक्रम था, मैं भी बैठा हुआ था, एक मंत्री जी मेरे बगल में बैठे थे, तो कई लोग आकर के, अब स्वाभाविक है कि तमाम लोगों से संबंध होने के कारण से लोग पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं। तो मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि आपकी तो प्रतिष्ठा मुझसे कहीं ज्यादा। हमने कहा आपकी प्रतिष्ठा अस्थाई है, हमारी प्रतिष्ठा स्थाई है बिल्कुल, क्योंकि आप जब तक मंत्री तब तक आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं और हमारे साथ तब तक जुड़ते रहते हैं जब तक हम हैं, क्योंकि हम उनको कुछ न कुछ अच्छी बात कहते हैं, उनको उस समय या उसके बाद में समझ में आती है। लेकिन ये भी आसान नहीं है ना, ये अर्जित करना एक तपस्या है जिसका फल तो है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है जी बिल्कुल, तो आप कहीं भी हैं तो वो सोच के साथ साथ देखिए आप संस्कार कैसे बिगड़ रहे हैं, कि आप कोई संस्थान हमारे पास आता आदमी, हम उससे कहते हैं आप अपने दादी के नाम से या अपने पिताजी के नाम से ये फर्म का नाम रख। बोले नहीं साहब, वो तो बड़ा पुराना सा है, पसंद नहीं आता है, बड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा। तुमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बार बार आप उस नाम को लेंगे तो नाम सिद्ध हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, कुछ ऐसा नाम बताइए जिसमें इंग्लिश लुक हो। आप देखिए कि उन तमाम लोगों के यहाँ अंग्रेजी अखबार आता है जिनमें से वो एक लाइन भी नहीं पढ़ सकते जी, ये सच बहुत है। बहुत सारे लोगों के तो जी पढ़ने के लिए आता, बहुत लोगों के लिए सिर्फ टेबल पर, केवल टेबल पर रखने के लिए जी। कार्ड भी तमाम लोगों के आपने देखे होंगे अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप कितनी हीन भावनाओं में गिरते चले जा रहे हैं बिल्कुल, कि आप उसमें सही गलत क्या लिखा है ये आप नहीं समझ पाते। इन परंपराओं को आपको तोड़ना पड़ेगा। मुझसे भी लोग पूछते, जब मैंने विद्यालय प्रारंभ किया तो तमाम प्रकार के लोगों ने मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं पापा, आप जो बाबा का नाम है उसी के नाम से स्कूल शुरू किए। तो मैंने दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन शुरू किया, जो हमारे यहाँ पुरस्कार दिया जाता है उसका भी नाम दुर्गा प्रसाद हिंदी सारस्वत सम्मान जी। माता के नाम से चमेली देवी जो लड़कियों को दिया जाता है उनको शुरू किया, और जो मैंने कल सभागार शुरू किया एयर कंडीशन उसका नाम भी पुष्पांजलि रखा। मैंने परिवार के ही लोगों के नाम से नाम रखा। तो अगर आप उन नामों को बार 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 कहते हैं, भाई अंग्रेजों ने भी तो अपनी ही भाषा के नाम रखे, उन्होंने तो संस्कृत में नाम नहीं रखे, उन्होंने तो दूसरी भाषा में नहीं रखे, उन्हें अपने से प्यार था। आपको अपने अस्तित्व पर ही प्रयार नहीं है, और हमारी संस्कृत में एक बार 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 बात कही गई, आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करिए, आपके अंदर ही ब्रह्मा है, अहम ब्रह्मा। बिल्कुल, ये आपकी संस्कृति है और आप उसी को छोड़ रहे हैं। तो जब आप अपनी हीन भावना से ग्रसित होंगे तो आपके पारिवारिक रिश्ते भी टूटेंगे, आप लोगों को छोटा बनाने का सीखेंगे, आप छोटे रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए हिचकिचाएंगे, तो ये बहुत अच्छी सी बात नहीं है। सारी सब टूटन का कारण है, और रुपया महत्वपूर्ण होता है, सब कुछ नहीं हो सकता। उसका एक कारण मैं बताऊं, मैं दुनिया के तमाम देशों में जाता हूं, सूती कपड़ा पहनता हूं, भारत का कपड़ा पहनता हूं, धोती कुर्ता पहनता हूं,
और मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुनिया में मेरे ही फोटो छपते हैं। बिल्कुल, जहां कोई तक कमी नहीं आई सूती पहनने क्या, से क्या मुझे कमी, मुझे तो लगती नहीं, किसी ने ये तो नहीं सोचा ना। थोड़ी सी सर्दी जरूर लगती है, तो वो एक आदत बना लीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर हीन भावना आई कि सारे लोग जो हैं पेरिस में या लंदन में अलग अलग बड़े बड़े वस्त्रों के साथ में हैं, आप सोच बड़ी रखिए। अगर आपकी बड़ी सोच है तो आपका बड़ा चिंतन उसके साथ बढ़ेगा, और जब आपका चिंतन बढ़ेगा तो आप कभी भी हीन भावनाओं से ग्रसित नहीं होंगे। हमने उन देश की तमाम अखबारों में भी उल्लेख किया कि कहां हमसे बेहतर है। अभी मैं स्विट्जरलैंड में था तो मैंने कहा कि हमारे देश में से गायें हैं, हम गाय को माता कहते हैं, और हमारे गांव में या घर में आसपास जहां देखिए गाय जो है सबसे ज्यादा प्रदूषण की वस्तुएं खा रही है, प्लास्टिक का जो वो है वो सब कुछ खा रही है। ये तमाम सारी जो चीजें हैं हमारे देश के अंदर, और स्विट्जरलैंड में जब रेलवे स्टेशन पर आप पहुंचते हैं तो गाय की आवाज में वहां आपका स्वागत होता है। वहां पर चौराहे पर गाय की बड़ी खूबसूरत मूर्तियां लगाई गई हैं। गाय वहां गाय को जो पालक है, गाय का दूध का काम जो करता है, वो बहुत महंगी गाड़ियों में चलता है, जो कानपुर में एक दो गाड़ियां होंगी, इतनी महंगी गाड़ियों में दो दो तीन तीन डेढ़ दो दो करोड़ की गाड़ियों पर चलते हैं। तो गाय का पूरी तरह सम्मान तो करें, हम बातों में तो सम्मान करेंगे, हमारी माता है, हम गंगा में सारा कचरा जरूर फेंकते हैं जबकि गंगा माँ है, क्यों गंगा हमारी माँ है। जब आप गंगा का सम्मान नहीं करेंगे, गाय का सम्मान नहीं करेंगे, तो अपनी माँ का क्या सम्मान करेंगे। हाँ, सम्मान कहाँ कर रहे हैं, जहाँ आप ससुराल जाते हैं तो आपकी वो नई जो माँ बनती हैं उनसे कुछ पाने के लिए सम्मान करते जाएंगे। बढ़िया बढ़िया खाने को भी सासू माँ जो हैं खिलाएंगी, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट भी देंगी सासू माँ, और तब तक आप उनका सम्मान करते रहेंगे जब तक आपको रुपया की जो शक्ति है वो दिखती रहेगी। ये स्थिति देश की, यानी अंदर से हम खोखले होते जा रहे हैं। और रही बात कि माँ को हम गंगा माँ कहते हैं, अज्ञानतावश अगर कुछ करते हैं तो फिर भी माफ हो जाता है, लेकिन यहाँ हम अच्छे से जानते हैं, हमारे संस्कारों में है कि ये हमारी माँ है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यवहार शोचनीय है। पंडित जी, हम बात कर रहे हैं रिश्तों की, तो अगर परिवार की बात की जाए, क्या कहते हैं कि एक इमारत तभी मजबूत होगी जब नींव मजबूत हो, उसमें इस्तेमाल की जाने वाली ईंटें एक एक ईंट मजबूत हो, तो ये रिश्ते जो हैं ये भी एक समाज के निर्माण में एक ईंट का काम करते हैं। स्थितियां क्या है जी, एक लड़का एक लड़की है, लड़की को भी परवरिश बराबर ही होनी चाहिए जी, उसकी शिक्षा में, उसके कैरियर में बराबर का आपको, और हर माँ बाप बराबर का उसको प्रयास कमोबेश कर रही है जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, अब एक या दो बच्चे हो रहे हैं, तो उन दोनों बच्चों के साथ में, बेटी और बेटी के साथ में लगभग लगभग लोग बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, सक्षम भी हैं तो कर रहे हैं। अब कहीं बासी रोटी, उतरे हुए कपड़े कहीं भी बेटी को नहीं दिए जाते, और कभी हमारी आर्थिक स्थितियां कमजोर रही होंगी तो जरूर कभी रहा होगा। लेकिन मुझे अपनी आयु में इस पहुंचने पर भी मुझे स्मरण है, ऐसा न तो मैंने देखा और न मैंने कहीं इस तरह की वातावरण को सुना। लेकिन जब बेटी का विवाह हो जाता है, वही बेटी, भाई और बहन के जो मजबूत रिश्ते होते हैं, तो संपत्ति के लिए उसके ऊपर बहुत सारा भाई पैसा खर्च कर रहा है, पिता भी खर्च कर रहा, माँ भी खर्च कर रहा, आपको जितना दहेज मिला है उससे कई गुना ज्यादा आपको माँ कई वर्षों में देती रहती है। आप जब आई, उन्होंने बेटी ने कहा मम्मी ये हार बड़ा अच्छा लग रहा, उन्होंने उतार करके बेटी को दे दिया। उसने अपने पिता, अपने पति से भी नहीं पूछा। हमारे देश की माताएं अभी भी अधिकांश ऐसी ही है, वो बेटी को दे देती है, बेटी को तमाम सारी चीजें, उन्होंने कहा कि मम्मी वो फलानी चीज हमको यहां नहीं मिल पाई, उन्होंने तुरंत भिजवा दी। तो ऐसी माँ पर जब बेटी का नोटिस आता है कि आपकी संपत्ति में मुझे भी अधिकार है, तो उसका कितना छलनी हो जाता होगा सीना। बिल्कुल, कैसे रिश्ते आपके मजबूत रहेंगे, वो पहले ही आपको बेटे से ज्यादा दे रहा है,
वो भी पिता भले ही कम दे रहा हो लेकिन माँ जरूर दे रही है, लगातार देती रहती है। तो ये जो तमाम सारी चीजें बहुओं को भी लगता है, अगर दो बेटे खड़े होते हैं अस्पताल में तो बहू अपने दोनों अपने अपने पतियों की तरफ देखती है कि जेब में कौन हाथ डालता है, अगर आप उसके पति ने हाथ डाल दिया तो उसको बहुत तिरछी निगाह देखती, क्यों वो क्यों नहीं पैसे दे रहे हैं दवाइयों के लिए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मरीज देख रहा है जो आपका पिता या माँ है, कि इन्हीं बेटों पर मैंने करोड़ों रुपया लाखों रुपया खर्च किए हैं जो दवा के लिए, तो कहता है बेटे रुक जाओ, अपनी पत्नी उससे कहते वहां से चेक मुझे मेरी लाओ, मैं चेक काटे दे रहा हूं जी। कैसे प्यार बनेगा कैसे प्यार रहेगा जब एक छोटी छोटी दवा जैसी छोटी सी चीज पर एक दूसरे का मुंह देख रही है। ये हमारे समाज की वस्तु स्थिति है और इसको अगर रोका नहीं गया तो समाज का विघटन होगा, कोई किसी पर आश्रित नहीं होगा, फिर क्यों बच्चे को पालेगा, क्यों बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन अहम करेगा। आज बहुत सारी लड़कियां कहती हैं हम क्यों बच्चा पैदा करें, आज जो बच्चों की संख्याएं भी कुछ कम हो रही हैं तो भी कहने लगते हैं अरे ठीक है हम लोग जो है अभी 10 साल बच्चा नहीं पैदा करेंगे, हम भी अपनी जिंदगी जी लें, फिर उसके बाद नहीं हुआ उन्होंने क्या फर्क पड़ता है, हमारे भी तो 5 भाई बहन रहे, कितनी अम्मा की किसी ने सेवा की। इस तरह सोच बदल रही है, बिल्कुल इसीलिए सोच बदल रही है क्योंकि तुमने मजबूर कर दिया है माता पिता को, तो दूसरे लोग माता पिता बनना ही नहीं चाहते। बहुत सारे देशों के अंदर माता पिता लोग बन ही नहीं रहे, अपनी जिंदगी ऐसे ही काट रहे हैं। एक गलत उदाहरण जिस तरह से दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, वो एक नए समाज की रचना कर रहे हैं जो बहुत ही जिस जहां पर स्थिति बहुत ही शर्मनाक है। मैं चाहूंगी कि आप कुछ सुझाव दें। इसमें दो सुझाव जी, एक तो आप हीन भावनाओं से ग्रसित ना हो। अगर फटा पहना जूता आपका पिता है तो सार्वजनिक रूप से उसको सम्मानित जरूर करें जी। अगर पिता आपका आता है, हमारे एक अध्यापक आते थे रसधान कानपुर देहात में, मैंने वहां से प्रारंभिक शिक्षा ली और वो जात के कायस्थ थे, मैं ब्राह्मण था, हाथ पकड़ लेते थे कि तुम अब बड़े पंडित हो गए हो, देश में जाने कितने लोग तुम्हारे पैर छूते, तुम मेरे पैर छूते हो। हम उनके जब पैर छूते थे सच मानिए मुझे बहुत सुख मिलता था। मैं एक बार बीमार था तो मुझे देखने आए और उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा अगर ठीक नहीं हुआ है इम्तहानों में तो मेरे स्कूल का नाम बहुत नीचे आएगा, और किसी ने उनसे कह दिया कि उसको ठीक करने के लिए तुम मंगल का व्रत करो जी। तू अध्यापक मंगल का व्रत कर रहा था। हाँ। मेरे मन में अपार श्रद्धा उनके प्रति है आज भी। ऐसे उदाहरण नहीं है आज तो, बिल्कुल आज भी उदाहरण है। हाँ, उदाहरण नहीं दे रहे ना जी, लेकिन आज के जैसे आपने अपना अनुभव बताया। हाँ, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जी, हमारे यहाँ एक टाइपिस्ट लड़का है जी, तो वो इंटरमीडिएट के इम्तहान देने के लिए कल परसों में मुझे किस्सा बता रहा था। बोले एक अध्यापक ने कहा कि तुम बेटा परेशान ना हो, मैथमेटिक्स के लिए तुम्हारे पास फीस नहीं है। और वो ब्राह्मण अध्यापक और वो हरजन लड़का माने दलित लड़का है, तो उन्होंने कहा कि तुम ये सारी सब चीज़ें छोड़ दो, तुम पढ़ो, तुम्हारी हम फीस भी देंगे। आज मुझसे कल या परसों कि आपकी जो मुझे पहली तनख्वाह मिलेगी जी, मैं सबसे पहले उनके पास ले जाऊंगा। बिल्कुल, कहते ना तो क्रिया की प्रतिक्रिया, बिल्कुल वो उसको अपने पिता से कहीं ज्यादा श्रद्धा है। और हम तोड़ रहे हैं वो मुसलमान है, वो फलानी जात का है, वो ढिकानी जात का है। अरे आदर्श तो ऐसे स्थापित करिए कि एक लड़का के मन में ही है और दोनों की जातियों का भिन्नता ऐसी है, ऐसी इस तरह की जो हमारे समाज में जिन राजनीतिक लोगों ने जो विष बोया है जी, उनके कारण से, तो इन विषों को आपको परिवार से भी दूर होना होगा। जब समाज में विष बोया जाता है वो धीरे 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 आपके परिवार में भी आ जाता है। बातें बहुत ही भावुक करने वाली हो रही हैं पंडित जी, जो आप अनुभव अपने बता रहे हैं। इसे हम जारी रखेंगे लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
से मैंने शुद्ध होके जीवन को समुंदर बनाया है। हार से नहीं डरना, जीत पे नहीं रुकना, खुद को सिखाया है, खुद ही को आजमाया है। नंबर वन संस्थान कौटिल्य अकेडमी अब झांसी में भी। IAS, IPS, PCS, SSC, UPSI जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कौटिल्य अकेडमी सेकंड फ्लोर अबव पिज्जा हट नियर प्रमोद पेट्रोल पंप अलाइट स्क्वायर झांसी। कुछ ही लोग हैं जिन पे आप करते हैं आंख बंद करके भरोसा। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब आप हम पर करते हैं आंख बंद करके भरोसा। ASG आई हॉस्पिटल्स। विश्वविख्यात बुनकरों की हथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी, कोसा साड़ियाँ, शूटिंग शर्टिंग, दुपट्टे, सलवार सूट, कुर्ता पैजामा का ड्रेस मटेरियल इत्यादि, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ, वो भी 20% की छूट के साथ। 12 फरवरी से 18 फरवरी 2018 तक हथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी सह विक्रय स्थान चंदा होटल रानी लक्ष्मीबाई पार्क के सामने झांसी। आप भी छू सकते हैं सफलता का आकाश, ये है 30 वर्षों का विश्वास। भारत का नंबर वन आकाश इंस्टीट्यूट अब आपके शहर झांसी में। मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की सफलता अब आपकी मुट्ठी में। योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा परीक्षा की तैयारी। आकाश इंस्टीट्यूट अलाइट चौराहा सिविल लाइंस झांसी। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश। स्वागत है ब्रेक के बाद ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं महाज्योतिषाचार्य पंडित के ए दुबे पद्मेश जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं आज सामाजिक मूल्यों पर, हमारे रिश्तों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों पर, और समाज में इन रिश्तों की क्या स्थिति है और इन्हें कैसे बेहतर बनाया जाए। आप दूसरे को गैर क्यों समझते हैं? मैं तो बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ, बहुत साधारण। इस देश में, इस देश से बाहर हम पत्नी जाते हैं, उन तमाम सारे बच्चों के पास जाते हैं जिनको कभी थोड़ी बहुत आर्थिक या अन्य प्रकार की मदद की है, आज वो स्थापित हैं, तो उनको लगता है कि उनके माँ बाप आ गए, चाहे वो बेटी हो और चाहे बेटा हो, और इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। अभी मैं हैदराबाद गया था गुड़िया के यहाँ, और भोगनीपुर की एक लड़की है, उसका ससुराल हैदराबाद में है, तो मैं गया हुआ था, तो वहाँ रुका भी था। तो उसने दही के पराठे बनाए, दही के पराठे जी। तो उसको हमने कहा, बेटा मैंने तो कभी नहीं खाए। बोले नहीं, आप खाइए, आप खाएंगे कैसे नहीं है। तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा जैसे मुझे भारत रत्न मिला हो। उसके सम्मान को इतना प्यार मिला कि मुझे ये लगता है कि आप भी ये प्यार बांटिए ना। ऐसा नहीं है, लोग टूट रहे हैं, इतने ज्यादा टूट रहे हैं, आप उनको मलहम का कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप अंदर से दो चीजें छोड़ दें, एक तो ईर्ष्या, दूसरा लोभ। अगर आपके मन में ईर्ष्या है
तो आप ईमानदारी नहीं कर सकते। आपके अंदर लोभ है तो आप ईमानदारी नहीं कर सकते। मुझे मेरे जन्मदिन पर या गुरु पूर्णिमा पर जितना भी उपहार मिलता है, मैंने आज तक एक भी उपहार नहीं लिया। इनसे लिया, उनको दिया, उनको लिया, उनको दे दिया, तो उनको भी लगता है वो शायद इसलिए नहीं देते हैं कि मैं उसका इस्तेमाल ना करूं। जी, एक कॉलर हमारी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कानपुर से हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं। साधना तिवारी जी। साधना जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से आप? एक्चुअली क्या है, मैं 62 इयर्स की हूँ जी, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1955 है। हाँ जी। और मेरे केसेस चल रहे हैं बहुत ज्यादा, और मैं पूरी जिंदगी परेशान रही। अब मेरा एक सर्विस का केस चल रहा है जिससे मेरे को लगता है कि मैं जीत जाऊंगी, फिर मेरे को बैड न्यूज आ जाती है। ऐसे मेरे एक जमीन के केसेस चल रहे हैं, जो जमीनों में बहुत बुरी तरह से फंसा दी गई हूँ। मेरे दो केसेस को किसी तरह से निपटवा दीजिए और मुझे क्या करना होगा ये बता दीजिए। बहुत सरल उपाय, घर में कहीं ना कहीं ऋणात्मक ऊर्जा प्रभावी है। आपको बचपन में आपने दादी के या तमाम सारे लोगों को देखा होगा कि जब आप शादी होकर के अपने घर आई होंगी तो देहरी की पूजा कराई गई होगी, प्रवेश द्वार पर थाप लगवाई गई होगी आपके दोनों हाथों के। आप फिर से यही करना शुरू कर दीजिए। आपके पितरों का वास वही है, उसी जगह से ऊर्जा जो है सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है। एक काम आप ही करना शुरू कर दीजिए, प्रतिदिन जैसे आप भगवान की पूजा करती हैं, देवी की पूजा करती हैं, ऐसे देहरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। एक काम तो ये करिए। दूसरा, ये बगलामुखी का पूजन करना शुरू कर दीजिए। बगलामुखी के बाजार से किताब ले आइए, आप बगलामुखी का जप करना शुरू कर दीजिए, देखिए कैसे नहीं आप मुकदमा जीतती। जी, देहरी पूजन का बड़ा महत्व बताते हैं आप पंडित जी, जाहिर है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से ही हैं। जी, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं। हेलो हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं हमको? चलिए, लगता है संपर्क हमारा कट चुका है। हम सारी चीजें पुरानी जी, आज विज्ञान आपको वापस दे रहा। बिल्कुल, घूम फिर के हम वहीं आ रहे हैं। कहते थे हमारे माता पिता या तमाम सारे लोग कहते थे, बेटा आते आते ठंडा पानी मत पियो, गर्म पानी पियो, रात को सोते समय गर्म पानी पियो, गर्म पानी से हाथ पैर धो लो जाओ। आज यही विज्ञान कहने लगा, तो हम कहीं ना कहीं विज्ञान से प्रारंभ से ही जुड़ा था भारत जी। और आप आधुनिकता के युग में आकर के आपने उस प्राचीन भारत को खो दिया है, आपने अपने संस्कारों को खो दिया है, जिससे होता क्या है कि आप अस्वस्थ रहे, शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। हम उन्हीं पुरानी परंपराओं को बता रहे हैं, हम जो वैदिक और उत्तर वैदिक काल की जो परंपराएं थी उनमें जो मुझे अच्छा लगता है वो आप तक पहुंचाते हैं। एक बात इसमें ये सामने आती है कि हम प्राचीन काल से आधुनिक हैं और अपने आप में परफेक्ट हैं, हमारा जो कल्चर रहा है। हमारे यहाँ तो गणेश जी प्रमाण है ना जी, आज भी सर्जरी में पूरी दुनिया में कोई गणेश जी का उदाहरण दे दे। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। साधना जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं कानपुर से बोल रही हूँ, पिछली बार अभी मैंने किया था तो कट गया था। अच्छा जी, जी जी जी, पूछिए अपना सवाल। जी सवाल पूछिए अपना। ऐसा है कि मुझे बहुत केसेस चल रहे हैं मेरे ऊपर। ये तो मैं बता चुका हूं, मेरा केस चल रहा है 6 साल से जी। तो मेरी कोई गलती नहीं और हाँ। मेरी जमीन में बहुत केसेस चल रहे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि मेरे ऐसे लाइफ में क्या गलती है जिससे मुझे ये सब परेशानियां भोगने पड़ रही है। जी जी, आपको मैंने अभी बताया था, फिर से आप सुन लें। आप भगवती बगलामुखी का पूजन करिए और देहरी का पूजन करिए। अगर यह दोनों आप कार्य कर लेती हैं तो कोई कारण नहीं होगा कि आपकी समस्या का समाधान ना हो। जी चलिए, वो सुन नहीं पाई थी तो उन्होंने दोबारा फोन किया, लेकिन इसमें अच्छी बात ये हुई कि औरों की भी जो मिलती जुलती समस्याएं होंगी, उपाय उन्होंने दोबारा सुन लिया होगा। हम चाहेंगे कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो ये तमाम सारी चीजें जो है हमारी प्राचीनता है। बिल्कुल, वो आज
हमारी प्राचीनता को लेकर के रामदेव जी आए और कुछ कालखंड में विदेशी कंपनियों से ज्यादा उन्होंने धन अर्जित करके दिखा दिया। बिल्कुल, और बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया सारा। तो आपको अपनी भारतीयता की पहचान बनानी होगी, आपकी अपनी भारतीयता उत्पादन पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर उन सारे चीजों पर आपकी विश्वसनीयता पूरी दुनिया में बन जाती है तो कोई कारण ही नहीं होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ स्थिति में न हो, चाहे वो विज्ञान हो और चाहे किसी अन्य प्रकार का साधन हो, कोई अन्य प्रकार का विषय हो, समय आप आगे खड़े होंगे। हमें याद है कि मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तो हमारे गांव के एक मुस्लिम लड़का था, वो लॉन्ग जंप 22 फुट करता था। कक्षा 6 का लड़का, कक्षा 6 का बहुत छोटा बच्चा होता है। अब 22 फुट के लड़के को अगर प्रशिक्षण मिला होता जो कक्षा 6 का लड़का पढ़ रहा था और 22 फुट लॉन्ग जंप करता था, तो मुझे लगता है कि वो किस भारत का गोल्ड मेडल लेकर आता। लेकिन हमारी प्रतिभाओं को राजनीतिक, पहले तो भाई अंग्रेज हमारे देश में थे, राजा महाराजाओं के लड़के ही क्रिकेट खेलते थे, तब तक क्रिकेट के अस्तित्व में कभी भी आप नंबर एक पर नहीं खड़े हो पाए। अब आम बच्चे जब से आए हैं, आम परिवारों के बच्चे जब से आए हैं, तो अफ्रीका का नंबर एक का ताज छीन लिया। तो हमारी धरती में टैलेंट है बिल्कुल, लेकिन कुछ परिवारों तक जो सीमित कर करके कैद कर रखा था देश को, उनसे जब तक जकड़ों से आप नहीं छूटेंगे तब तक इस देश को आप प्राचीनता में और आधुनिकता के समन्वय पर नहीं खड़ा कर सकते। जी, क्योंकि बात टैलेंट की है तो फिर वरीयता टैलेंट को देनी चाहिए, ना कि परिवारवाद को। बिल्कुल, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि आजकल योग, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी मंजू जी, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। जी पूछिए अपना सवाल, पूछिए जी अपना सवाल पूछें, क्या पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से? मेरी शादी हुई है 23 मई 2005 में, डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं। आपकी आवाज से मुझे लग रहा है कि आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, ये डॉक्टर से चेक कराइए। और अगर ये सही है जो मैं बता रहा हूं, तो सूरज के सामने बैठिए, सुबह जब सोने से के साथ उठिए और सूर्योदय से पहले सूरज के सामने बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक बैठे रहिए और आप देखिए साल भर के अंदर आपकी गोद भरती कि नहीं भरती। तो ये तो हमारे देश की प्राचीनता है, कल्चर में है हमारे। हाँ, कल्चर में। और यहाँ तक कि जो कंगन बनता था जी, तो कंगन में कुछ सीड माने बीज बांधे जाते थे जी, वो संतत उत्पत्ति के लिए ही बांधे जाते थे। यानी तभी शादी विवाह के समय पर ही वो अरेंजमेंट कर दिया जाता है। अब आज देखिए कई कई परिवारों में तमाम प्रकार के दोष। पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, बताएं अपना नाम और कहां से बोल रहे हैं आप? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, हरीश मेरा नाम है जी। और डेट ऑफ बर्थ 13 अक्टूबर 1971 और टाइम 10:20 सुबह का जी। क्या पूछना चाहते हैं? प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस बिल्कुल चल नहीं रहा है और कर्जा बहुत है, कब अच्छा टाइम आएगा मेरा? आप जब सोने जाएं हरीश जी, श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, और इसको जप करते करते सो जाए। जब सोकर के उठिए तो श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, ये वैदिक मंत्र यजुर्वेद का है जी। और इस मंत्र को ऋषियों ने भी जप किया, देवताओं ने भी जप किया और उनको तमाम प्रकार की जो तत्कालीन व्यवधान थे, इसमें हमने आपका कोई समय वो नहीं लिया जिसमें आपका व्यापार का नुकसान या जिसमें आपको किसी नियम का पालन करना सोने से पहले और सोकर उठने के बाद का है। और जितनी देर आप जप कर सकते करें, आप देखेंगे कुछ महीनों में ही इसका चमत्कारिक लाभ आपको मिलेगा। ये बात बहुत अच्छी कही। अमूमन लोग बहाना बना देते हैं कि भाई इतना समय कहाँ है, भाग दौड़ का जीवन है,
लेकिन आपने बताया कि सोते समय, यानी कि जो समय आप देते ही हैं, कोई अतिरिक्त समय नहीं देना है, उठते सोते समय आप इधर उधर ना सोचें। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से हैं। जी स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं। हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी मैं रामशंकर वाजपेयी बोल रहा हूँ। जी शंकर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, पंडित जी आपको सुन रहे हैं। जी, और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है पंडित जी। भगवान शिव की उपासना करें और बहुत सरल मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय तो आप जप करते हैं, ओम हौम जूम सा, ओम हौम जूम सा। इसको आप अपने दांतों को साफ करके, आपके मुंह में जूठन नहीं होनी चाहिए, पान नहीं खाए हो, मसाला नहीं खाए हो, उसको बहुत साफ कर ले। उसके बाद भी ये मंत्र किसी भी समय और कितने भी देर तक जब करते रहेंगे तो आपको इसका तत्कालीन प्रभाव दिखाई देगा। मंत्र बड़े कमाल होते हैं पंडित जी, कितने और कितने आसानी से आपने बताया, कितने प्रभावशाली होते हैं। आशा है कि इसका उपयोग करेंगे और जिस जिसको भी आप बता रहे हैं वो इसका उपयोग करेंगे, और मिलती जुलती समस्याएं भी जिनकी हैं उनके लिए भी बहुत लाभप्रद होगा। मुझे लगता है जब दर्शक हमारे देखते होंगे ये कार्यक्रम, तो अब तो वो एक कॉपी और एक पेन लेकर जरूर बैठते होंगे, क्योंकि कब पंडित जी क्या बता दें कुछ पता नहीं है, और कितना उपयोगी उससे तो हम भली भांति वाकिफ है। एक और कॉलर इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं आप। कानपुर से बोल रही हूं, अपने पुत्र के बारे में पूछना है, उसका नाम है पुनीत। पुनीत जन्म तिथि 1969 जी, सुबह 1:35 एक बच्चे मार्च में है, एक बच्चे 9 मार्च 1969 जी, क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, 1:35 उसके कारोबार कैसे चलेगा और शादी होगी कि नहीं होगी, अजय जीवन कैसे होगा। आपके बेटा आपको पीछे से सब कुछ बता रहा है, तो बेटे ने सवाल क्यों नहीं किया, कहीं नहीं किया तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो पहले तो अपने कॉन्फिडेंस को ठीक करें, यानी जो उसमें आत्मबल है वो कहीं ना कहीं ठीक करें। और आत्मबल को ठीक करने के लिए केवल दो ग्रह हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा। तो या तो सूर्य के माध्यम से साधना करें, सूर्य के पास बैठ करके कुछ देर सूर्य के मंत्र का जप करें तो उसका विवाह भी होगा, कारोबार भी होगा, या चंद्रमा के साथ बैठ करके रात के समय चंद्रमा को देख करके चंद्रमा के मंत्र का जप करें। जैसा कि कॉलर आपसे जब फोन करते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि जाहिर है आप महा ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष का आपको गहरा अनुभव है, तो ज्योतिष के हिसाब से आप बताएंगे, बताते हैं आप, लेकिन जो वो प्रैक्टिकली आप बता देते हैं उन्हीं बिंदुओं पे जिन पे हम गौर नहीं करते और कर सकते हैं, मुझे लगता है अगर आपको लोग फॉलो करें तो कॉन्फिडेंस तो उनमें आना ही आना है। ज्योतिष का ज्ञान की उन्हें जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस उनमें आ ही जाएगा। ज्योतिष कॉन्फिडेंस देता है जी, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं जी युवक और युवतियां जो करती हैं कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, वो केवल सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव की कमी के कारण करती है। जी, जब सूर्य और चंद्रमा आपके कुंडली में कहीं गड़बड़ होगा तभी आत्महत्या करेंगे, वरना आत्महत्या कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से हैं। जी स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं। हेलो जी, स्वागत है आपका, बताइए अपना नाम बताइए। अनुराग शर्मा बोल रहा हूँ। जी अनुराग जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। अनुराग जी बताइए। मैडम एक्चुअली मेरा जन्म तिथि है 20 सितंबर 1985 जी, और जन्म समय है 11:27 रात्रि का। मैं ये पूछना चाह रहा था पंडित जी से कि मेरे पास रोजगार की बहुत समस्या है, बिल्कुल भी नौकरी नहीं है मेरे पास, जो नौकरी मिलती है वो छूट भी जाती है, तो अच्छी स्थायित्व वाली नौकरी कब मिलेगी ये जानना चाह रहा था पंडित। स्थिर लग्न में आप नौकरी ज्वाइन करें, स्थिर लग्न जो होती है वृष होती है, सिंह होती है, वृश्चिक होती है, कुंभ होती है, चार लग्न है, तो उसमें स्थिरता आएगी। दूसरे जहां कहीं भी नौकरी आप ज्वाइन करते हैं ईमानदारी से काम करें जी, सही समय पर यानी कि करें,
लग्न का ध्यान रखें और हाँ, अपनी तरफ से ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही पंडित जी। लोग फल की तो बड़ी कामना करते हैं, हमें ये भी मिल जाए, हम आसमान छू लें, पता नहीं क्या क्या पालें, लेकिन जो हमारे तरफ से जो प्रयास करने होते हैं, मतलब कदम ठोस नहीं उठाते हैं, हमारी तरफ से प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी होती है। तो पंडित जी, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं संबंधों की, क्योंकि मौका मिला है बात करने का, वैसे तो हमारे कॉलर का कॉल आ जाता है जिसके लिए हम बैठे हैं, स्वागत है उनका, लेकिन चाहेंगे जो समय हमें मिलता है, बचता है, उसका उपयोग कर लें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। केवल रिश्तों में अर्थ जी, और ये भी कभी आप महसूस ना होने दें कि आपके पास पैसे नहीं है। आचरण आपका ऐसा होना चाहिए स्वस्थ, तो आपको जैसे मेरे पास क्या पैसे हैं नहीं है, लेकिन ये गलत फहमी लोगों को लगता कि बहुत पैसे पद्मा जी के पास है। अच्छा, हाँ। जी, क्योंकि लोगों को दिखाई देता कि हवाई जहाज से जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, फलां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इतने सारे सब जगह जाते आते, भाषण देते, ये करते हैं, लेकिन ये सच्चाई ये है कि इसका आयोजन आप करते हैं। और मेरी कोई भी रुचि नहीं है, केवल एक ही रुचि है तीर्थ स्थानों में। मेरा कभी कोई आज तक का मन ही नहीं होता मैं किसी देश जाऊं, लेकिन उस देश के लोग पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप, साथ ही ये भी बताएं। मैं पंडित जी बोल रहे हैं, पंडित जी नमस्ते। नमस्ते जी, अंजलि बोल रहे हैं जी, कहां से बोल रही हैं अंजलि आप? उन्नाव से बोल रहे हैं जी। पूछिए, बोलो पंडित जी। ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कोई एग्जाम दे रहा है तो सफल नहीं हो पा रहा है, तो क्या उपाय करें? परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है बेटा, अगर आपने पढ़ा है तो सफलता जरूर मिलेगी, हो सकता कुछ कम ज्यादा नंबर हो। दूसरा ये कि भयग्रस्त होकर के परीक्षा मत दो, अगर आप भयग्रस्त होकर के परीक्षा देंगे, मैं तो विद्यालयों से भी जुड़ा हूँ और वैसे जो भी कार्य है ये ज्ञान ही देने का कार्य है और पूरी दुनिया में जाता हूँ जी, तो केवल भयग्रस्त होकर के अगर आप ये सोचेंगे कि हम यहाँ आकर के मलेशिया में आकर के इन लोगों को क्या ज्ञान देंगे, अरे मलेशिया के लोगों को भी ज्ञान की जरूरत है, तभी तो उन्होंने आपको बुलाया जी, तो उनको उनकी धरती से जुड़ी हुई तमाम सारी चीजें होती, इसी प्रकार से आपके विषय की तमाम सारी चीजें होती, उनको ठीक से ध्यान दीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दो, सफलता मिलेगी। पंडित जी, जब आपको सुनती हूँ तो अब गजब का पॉइंट ऑफ व्यू एक देते हैं, जिनको हम जिस तरह से हम देख नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, और एक वाक्य आपका मैं चाहूंगी आप ही एक बार फिर से दोहरा दें, जो आपने ये कहा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, वाकई कमाल की बात है, आप युवाओं के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है इस बात पर ध्यान देना कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है जी, बिल्कुल। आप समय पर यहाँ नहीं आएंगे, समय पर घर के बच्चे को रोटी नहीं देंगे, आपकी क्या उपयोगिता? बिल्कुल, जिस समय तक आप उपयुक्ता है और उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, और जब तक व्यक्ति उपयोगी है तब तक वो मिट्टी नहीं होता, और जिस दिन उपयोगी नहीं होता तो कहते हैं मिट्टी हो गई है, जल्दी ले चलो जी। बहुत गहरी बात कही आपने पंडित जी, यथार्थ है, जिस भी रूप में ले, लेकिन है ये यथार्थ। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हमारा जी, जी क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से आप? जैसे कि जॉब के लिए पूछना चाहती हूँ, उसकी जन्म तिथि 1 अप्रैल 1996 है। जॉब के लिए पूछना चाहती है पंडित जी, अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अगस्त से उसका पीरियड समय अच्छा आ रहा है, और अगस्त के बाद में थोड़ा सा और अधिक परिश्रम करे, उसे सफलता मिलेगी। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही पंडित जी, एक और बात, बातें हर अच्छी ही होती हैं आपकी, यूँ तो कि अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अमूमन जो आजकल जो हमारा जो स्वभाव हो गया है मानव का, हम प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं, हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, जबकि प्रतीक्षा मात्र प्रतीक्षा नहीं है। नंदनी जी, 5 चीजें लिखी है, 5 चीजें कौन सी? तुलसीदास ने आज से 500 साल पहले जी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी जी,
यही आपत्त में आपके संबल है। जब आप मुसीबत में घिरे होते हैं तो आपका अपना धैर्य और अपना आराध्य और अपना मित्र और आपकी अपनी पत्नी साथ देती, बाकी कोई साथ नहीं देता जी। तो इनके प्रति हमारी जिम्मेदारी जाहिर से बनती है, इन पर ध्यान दें हम। हाँ, इनको तो सबसे पहले उसने पत्नी को नहीं लिया, धीरज में जी। अगर आपका आप खुद धैर्य हार जाते, हमारी माँ गैर पढ़ी लिखी थी लेकिन एक बात कहती थी, बेटा मन के हारे हार है मन के जीते जीत। जी, मन से कभी नहीं हारना चाहिए। सारे दुनिया में जितने युद्ध होते हैं वो मन से ही जीते जाते हैं, तलवार से नहीं जीते जाते। बहुत ही गहरी बात है और व्यवहारिक भी है, जिन्होंने अनुभव किया हो और अगर वो ध्यान दें तो जितनी भी दुनिया में जितने भी युद्ध जीते गए हैं वो मन से जीते गए हैं, तलवारों से नहीं। बहुत खूबसूरत पंडित जी। मैं चाहूँगी कि जो हमें वक्त मिल रहा है तो आगे इस पर और भी चर्चा करें। तो जो रिश्ते हैं हमारे आजकल, तो अगर एक रिश्ते की बात करूँ कि सास और बहू का, तो उनको कुछ आप बताएं कि कैसे वो अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखें, क्योंकि वो बहुत अहम चरित्र होती हैं। एक अहम एक और कॉलर हमारी जुड़ चुकी हैं जी। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए जी। विकास बात है जी। विकास जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कानपुर। कानपुर से जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। संपर्क कट चुका है उनसे, अपना सिर्फ परिचय ही दे पाए, वो सवाल पूछते इससे पहले संपर्क कट चुका। सास और बहू के बीच में केवल एक ही व्यक्ति होता है जो लड़ाई का कारण होता है, वो होता है उसका बेटा और उसका पति। दोनों चाहते आधिपत्य, सत्ता की लड़ाई है। हमने इतने वर्षों तक बेटे को पाला है, बेटे पर अधिकार मेरा है। और एक ट्रेडिशन हिंदुओं में है कि जब बेटा विवाह करने जाता है तो माँ कुएं में कूदने को तैयार होती है कि आज से मेरे बेटे पर अधिकार खत्म हो जाएगा जी। तो वचन लेती है, जब वो कुएं में पैर लटकाती है तो पैर गोदी से बेटा उसको उठाता है तो अपना दूध पिलाती है। हालांकि उसमें दूध क्या निकलेगा, 25 साल प्रतीक एक समझाने की कोशिश है। तो कहती तुमको इस दूध की कसम है न आने वाले बहू के साथ अपमान करना और ना मेरे साथ अन्याय करना। वाली बात कही है, हालांकि यहाँ पे माने वंडी जी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं। जी अपना नाम बताइए। मनोज जी। मनोज जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मनोज मैं कानपुर से बोल रहा हूँ जी। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। कानपुर से जी। जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। क्या सवाल जी, आप स्पष्ट कहें जरा, आपका जो सवाल है वो समझ में नहीं आया। स्थानांतरण जी, ये होली समाप्त होगी, होली 1 तारीख को 8 बजे के होलिका दहन है, उसके अगले 27-28 दिन में आप कोशिश कर लीजिए, स्थानांतरण हो जाएगा जी। तो समय बता दिया है पंडित जी ने, प्रयास जरूर करिएगा, सही तरह से करिएगा, सही दिशा में करिएगा। उम्मीद है मुझे भी और पंडित जी ने तो आशीर्वाद दे ही दिया है, आपको फल जरूर मिलेगा, आप सफल जरूर होंगे। पंडित जी हम बात कर रहे थे यहाँ पे सास बहू की भूमिका की। हाँ, तो देखिए सास की सोच कितनी अच्छी है, बिल्कुल बैलेंस की बात कही, हालांकि अनुभव के चलते ही क्या कहती है, जब आप 7 फेरे लेते हैं तो आखिरी फेरे में लड़की कहती है 7वां वचन जी कि तुम मेरा अपमान नहीं करोगे, अपनी माँ और मेरे साथ न्याय करोगे, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, यानी हमारे दांपत्य जीवन में हम दो हैं, न मेरे जीवन में कोई पुरुष आएगा न तुम्हारे जीवन में कोई स्त्री आएगी जी। और अगर तुम्हें ये हाँ 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 है तो मैं तुमसे शादी करूंगा, आखिरी तक वो कहती है अगर ये नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करी, उठ कर जा रही हूं जी। लड़का कहता हाँ, बचन हालांकि तो हाँ। बचनों को सुनाया ही नहीं जाता है। हाँ बिल्कुल, ये चीजें मेरे लिए भी नई थी। हाँ। इस तरह से क्यों। खैर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम रानी है। जी रानी जी कहाँ से बोल रही हैं आप? जी टावा से बोल रही हूँ। हाँ जी पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से। जी मैं जानना चाहती हूँ, मेरे काफी दिनों से मतलब घर में परेशानी रहती है, शादी 4 साल हो चुकी है,
एक बच्ची है, बेटी है अपनी मेरी, और मतलब शादी परेशान रहती हूँ बहुत ही ज्यादा, और मतलब मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और कमाई भी उनकी अच्छी खासी है, लेकिन उनकी कभी सफलता नहीं मिलती है। कमाई है तो सफलता का मतलब क्या है? कमाई बढ़ना चाहिए, सफलता तो वही है। तो ये कलह जो है, सुन बेटी, कलह घर में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो है घर के बाहर प्रवेश द्वार पर तुम मत करना, अपनी सास से कहना कि प्रवेश द्वार पर जहां से घर में घुसती है थोड़ा सा अनाज रख दिया करें और शाम को दिया जला दिया करें। अगर ऐसा करोगे तो सास बहुओं में भी प्यार रहेगा, माँ बेटे में प्यार रहेगा, पति पत्नी में प्यार रहेगा, घर में कलह नहीं होगी। जी, सवाल इनका यही था कि सफलता, हालांकि उन्होंने माना कि कमाई हो रही है जो कि एक सफलता का पर्याय हम कहते हैं, हाँ। लेकिन उस सफलता को संभाल नहीं पा रहे हैं, सही आकार नहीं दे पा रहे हैं उस सफलता को। तो ऐसे में आपने बताया कि आप ना करें, सास अपनी सासू माँ से कहें कि वो द्वार पूजन करें। जी, करोगे तो इसका महत्व मैं चाहूंगा कर रही है। ओ जी, हमारे देश में अंधविश्वास का देश है जी। सास ये समझने को तैयार नहीं है कि बहू मेरे लिए कभी हितकारी कार्य करेगी, और बहू को भी समझ में नहीं है जरूरी है लड़के को पटाने के लिए कर रही है। और अगर उसने गुपचुप अपनी बेटी से बात कर ली तो जरूर हमारी ननद जो है आग लगा रही है। ये बात फिर ठीक है, फिर क्योंकि तो विश्वास का रिश्ता नहीं अब बना पा रही है। तो ऐसा क्यों, क्या अनुभव पुराने इस तरह के रहे हैं, कुछ गलत उदाहरण पेश हो चुके हैं, इस तरह की सोच क्यों पनप रही है? उसका एक कारण ना जी, कि जो केंद्र बिंदु है बेटा जी, और बेटे को दोनों अधिकार, यहाँ बड़ी समझदारी के काम करना पड़ेगा। माँ हो सकता गैर पढ़ी लिखी हो जी, लड़की पढ़ी लिखी आपकी आई है, तो जिस दिन आपकी लड़की से पहली मुलाकात हो, लड़की की देखते समय, तो बेटे को जरूर बता देना चाहिए कि देखो भाई, तमाम सारे अवगुणों को क्षम है, मेरी माँ गैर पढ़ी लिखी है, वो गलतियां करेगी, और जब वो गलतियां करेगी उन गलतियों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना होगा, तभी हमारा आपका दाम्पत्य जीवन ठीक होगा, अन्यथा तुम भी कुंठित रहोगे, हम भी कुंठित रहेंगे। जब ये वार्निंग, आप ओपनिंग वार्निंग है जी, कभी लड़की गलती नहीं करेगी। और जहाँ हमने क्षमा करना सीख लिया, जहाँ कुछ चीजों को नजरअंदाज करना सीख लिया, जो चीजें घर पड़े जो बात है वो उसने कह दी, बिल्कुल, अब उसको आपने गले में लगा ली कि हमारे लिए कह रही है, ऐसा तो नहीं है जी। उसने बहुत प्यार से आपके लिए बढ़िया सब्जी बनाई, वो तो आपने पति को बताई नहीं कि आज अम्मा ने बढ़िया सब्जी बना खिलाई है, वो भी बताना चाहिए ना। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बातें कही आपने, बहुत ही व्यवहारिक पहलू पर हमने चर्चा की आज, रिश्तों पर चर्चा की। बहुत खूबसूरत सफर रहा आज के इस एपिसोड में, कई बार मैं भावुक भी हुई, हालांकि हमारे दर्शक भी हुए होंगे जिस तरह से आप, और कुछ अनुभव जो साझा किए कमाल के थे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। दर्शकों आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, क्योंकि हमें फिक्र है आज आपकी। नमस्कार।